जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और किस प्रकार का, मतलब यानी किस टाइप का बिजनेस अपना ओपन करना चाहते हैं, या कुछ बेचना चाहते हैं मार्केट में, या फिर किसी चीज़ का आप सर्विस देना चाहते हैं। सो ए टू जेड जितने भी मार्केट में सामान बिक रहे हैं, खाने पीने के हो गए हैं, यूज़ करने के सामान हो गए हैं। सो दोस्तों, आप अगर एक कोई भी छोटी सी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी छोटी सी दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, सो दोस्तों आप लोगों को शुरुआत में क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आप लोग छोटा बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में, तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग दिन के 1000 से 2000 रुपये कमा सकते हैं। बट ये दिन के 1000 से 2000 कमाने के लिए आप लोगों को कुछ महीनों तक अलग मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी छोटी होगी और इसमें रिस्क भी कम होगा। सो दोस्तों, पैसा कमाना है अगर आप लोगों को, तो दोस्तों बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के 6 महीने आप लोगों को दिक्कत होगी। तो दिक्कत क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि आपको न्यू कस्टमर बनाने होंगे, क्योंकि न्यू कस्टमर आप बनाएंगे तो आप लोगों को उनको फॉलोअप लेना पड़ेगा, और उन्हें आप लोगों को फॉलोअप लेते लेते बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, और उनके उनसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोग बताऊँगा कि अगर आप कोई भी मार्केट में सामान बेच रहे हैं, दोस्तों अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो दोस्तों उसकी मार्केटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, लोगों तक वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को खुद सेल्समैन बन जाना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आप लोगों का प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, उतनी अच्छी आप लोगों का प्रोडक्ट आपका बिकेगा। उसके बाद दोस्तों, सेल्समैन रख के क्या है दूसरा आपको काम करना है, सेल्स पिचिंग। दोस्तों हर एक सेल्समैन जब दूसरे कस्टमर के पास जाता है तो उसकी पिचिंग वो कैसे बोलता है, वो कैसे दिखता है, और उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे सामने वाले के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग जो भी सेल्समैन रखो, उसके अंदर सामान बेचने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक हुनर होना चाहिए। सो ये हुनर स्टार्टिंग में तो आप लोगों को नहीं दिखेगा, बट उसको रखोगे 1-2 महीना, वो मार्केट में जाएगा, काम करेगा, सो उसको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। या फिर दोस्तों, अगर आप खुद करना चाहते हो मार्केट में जाके, तो दोस्तों आप लोगों को भी 1-2 महीने का टाइम देना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह आप बोल सकते हैं, किस तरह कस्टमर की ज़रूरत को समझ सकते हैं, और अपना प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं मार्केट में कस्टमर को, वो चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जब मार्केट में जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत चीज़ें दिखेगी, प्राइस। तो दोस्तों, जो चीज़ आप मार्केट में बिक रहा है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, अब उसमें आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सो प्राइस मैटर करता है। अगर आप लोग भी उससे कम में बेचेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उससे ज़्यादा में बेचेंगे प्रोडक्ट को तो भी प्रॉब्लम है। सो क्योंकि दोस्तों MRP होता है, फिक्स होता है, सो किसी को भी आप लोग कम में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट में आप भी कम चीज़ें देते हैं, कम प्रॉफिट रहेगा तो आपका उसमें लॉस होता है। सो दोस्तों, इसमें शुरुआती टाइम पे आप प्रोडक्ट को लो प्राइस रख सकते हैं, बट आप लोगों को दोस्तों उसका रिकवर भी करना पड़ेगा, किस तरह आप अगर प्राइस सस्ते में दे रहे हैं किसी को, तो दोस्तों आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्राइस बहुत मैटर चीज़ है दोस्तों, प्राइस में आपका भी खर्चा निकलना चाहिए और सामने वाले को जिसको आप बेच रहे हो उसका भी फ़ायदा होना ज़रूरी है। सो दोस्तों, प्राइस बहुत ही मैटर करता है, और आप लोगों को दोस्तों टारगेट पीपल पकड़ने हैं, यानी टारगेट लोग पकड़ने हैं, क्योंकि हर लोग आपका सामान नहीं लेगा, हर लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, बट आप लोगों को कांटेक्ट लेना पड़ेगा सभी का। अगर वो कस्टमर नहीं ले रहा है तो दोस्तों आप लोगों को उनसे रेफरेंस लेना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे जो बिज़नेस होता है ना, वो रेफरेंस पे ही चलता है। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, और आप लोग सबसे पहले तो अपना पेम्पलेट बनवाइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए, उसके बाद फील्ड पे जाइए, विज़िट कीजिए डेली, कम से कम 30 से 40 विज़िट कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने प्रोडक्ट को बताइए। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लीड जनरेशन। दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप 40 कस्टमर 30 कस्टमर से डेली मिलेंगे, तो आप लोगों को उनका नाम नंबर मोबाइल नंबर और आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको, वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितना प्राइस में ले रहा है, वो चीज़ें आप लोगों को पता करनी है। तो ये सारे चीज़ आप जब पता कर लोगे, तो दोस्तों आप लोगों को पता हो जाएगा कि हाँ आपके आप अपना प्रोडक्ट किस रेट में बेचेंगे, उनको क्या बेनिफिट देंगे उनको, तो ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट आप जो जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसका बेनिफिट क्या है, और आप जो प्रोडक्ट आप सामने वाले को दे रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट
बेनिफिट क्या रहेगा, आप उसे और एक्स्ट्रा क्या देंगे, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सामने वाले को जब तक आप किसी चीज़ का लालच नहीं दोगे तब तक आपसे वो कुछ लेगा नहीं, तो आप लोगों को उनको लालच भी देना है। क्योंकि दोस्तों हर एक सेल्समैन हो गया, हर एक कोई भी कंपनी होगी, तो दोस्तों किसी न किसी चीज़ों को लालच देता है तभी जाके वो सामान बिकता है। तो दोस्तों सेल्स पिचिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके बाद दोस्तों है मार्केट में जो चीज़ बिक रहा है करंट टाइम पे, अभी आपका करंट टाइम पे जो बिक रहा है उसमें फ़र्क क्या है, आपके प्रोडक्ट में कितना फ़र्क है, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप लोगों का प्राइस कितना है, वो सामान का प्राइस कितना है, क्वालिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को मार्केट में प्राइस का डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका प्राइस हो सकता है महंगा हो बट क्वालिटी अच्छी देते होंगे। हो सकता है कभी कभी आपका प्रोडक्ट जो होता होगा वो बहुत अभी न्यू है, उसमें कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो में मेरी नए नए वीडियो आते रहेंगे। अगर आप लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज स्टार्ट करोगे 6 महीने के बाद आप लोग देखिए हर महीना आप लोग की जो इनकम होगी वो अच्छी होगी। आप लोगों को इसमें टाइम देना है और कस्टमर बनाना है, लीड जनरेट करना है और लीड जनरेट करना है, फॉलोअप लेना है, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है दोस्तों। ये दो काम कर लोगे तो आपको सेल्स मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।